का क्या है? समझ, बड़ा, मैच्योरिटी, बड़ा होना। बड़ा होना क्या होता है? एज, जो एज में बड़ा होता है, जो समझ, जो मैच्योर होता है, एज में मैच्योर होता है, अपने समझ से काम, जैसे टीनेजर से ऊपर, जैसे प्री टीन के ऊपर टीन, और टीन के ऊपर एडल्ट, फिर एक यंग एडल्ट और उसके ऊपर यंग एडल्ट के ऊपर एडल्ट, फिर ओल्ड, जो जितना ओल्ड होता है वो उतना समझदार होता है, वही उतना परिपक्व होता है, ऐसे ही है। वो निकल रहा है, वो निकल रहा है, बोलना नहीं अभी तो। सो दो बातें आई, आर्टिकल को पढ़ा सभी बच्चों ने, कुछ बच्चे बोले कि परिपक्वता वो है जो एज है, जो एज में बड़ा है तो परिपक्व है। कुछ बच्चे बोले कि जो समझ में बड़े हैं वो परिपक्व हैं, वो मैच्योर हैं। समझेंगे। अब जो हमारी पिछली कहानी थी, हमारी पिछली कहानी में जो नॉलेज वाली हमारी कहानी थी, और जो मैन था जिसने नॉलेज लेके और कार चला के फाइनली वो कहाँ गया था, बार गया था, बार पहुँचा, और बार पे पहुँच के फिर आउट होके और उसने एक्सीडेंट किया था। अब हो सकता है ये कहानी उसके साथ बार बार रिपीट होती हो, वो हर दिन मौका मिलने पे हर बार यही करता हो, और उसको ऐसा नहीं है कि दिखता नहीं होगा, ये उसको दिखता भी होगा, उसको दिखता भी होगा। कई बार उसको लोग भी समझाने की कोशिश करते होंगे, बताते होंगे, लेकिन तब भी ये बात उसको समझ नहीं आ रही, और उसकी उम्र हो गई है 45 साल। यही करते करते उसकी उम्र हो गई है 45 साल। अब यही बात, एक छोटी सी बात जब हमने समझी, तो हमारे पास जो हमारा सबसे छोटा दोस्त है शौर्य, 8 साल का, उसको एक बार में समझ में आ गई। अब उसको, उसकी उम्र छोटी है 8 साल, लेकिन ये बात उसको एक बार में समझ में आ गई कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक। और वही हमारा मिस्टर मैन है जो 45 साल के होके भी वही गलती बार बार दोहराते हैं और उन्हें समझ में नहीं आती। तो अब बताओ, असली परिपक्व मैच्योर कौन हुआ? तो क्या मैच्योरिटी का एज से कोई कनेक्शन है? नहीं, मैच्योरिटी का एज से फिर अब तो कोई कनेक्शन नहीं दिखता। लेकिन अभी तक हम क्या सोचते आए हैं, हमें स्कूल में क्या सिखाया जाता है जब हमारी मैनर्स और एटिकेट की क्लास होती है, तो हम क्या सीखते हैं उस क्लास में, मैनरिज्म्स में, एटिकेट में? माधव क्या सीखते हैं? तमीज से पेश आओ, और खास तौर से किन से तमीज से पेश आओ? बड़ों से। और बड़े मतलब क्या? जो एज में बड़े हैं। यही सिखाते हैं ना, इस बात को क्या बताते हैं कि जो समझ में बड़ा है वही असली मैच्योर पर्सन है, और उसको मैनर और एटिकेट जो भी है, बिहेवियर भी है, तो उसके लिए क्या बिहेवियर रखना है? ये बात आती है क्या? कि समझ को रिस्पेक्ट देनी है, मैच्योरिटी को रिस्पेक्ट देनी है, एज को नहीं। अगर किसी पर्सन की एज ज्यादा है और वो
गलतियों का पिटारा है, ढेर सारी गलती उसको करनी ही करनी है हर बात पे। तो क्या वो रिस्पेक्ट, जितना भी मान सम्मान है उसको पाने का पात्र है वो? नहीं। लेकिन जब हम ये सीख लेते हैं क्लासरूम में कि जो बड़े हैं, और बड़े मतलब क्या, जो हमसे उम्र में बड़े हैं, उनके सामने तमीज से पेश आओ, और तमीज से पेश आने के क्या क्या मतलब होते हैं? नमस्कार करो, पैर छुओ, और वो जो बोल दे उसको सुन लो, प्रश्न मत उठाओ, तर्क मत करो, प्रश्न मत उठाओ उनसे, और मान ही लो कि वो जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। पहले से ही मान के चलो कि जो व्यक्ति उम्र में बड़ा है वो जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। अब ये हमारे मिस्टर मैन, इन्होंने एक्सीडेंट करा दिया अपना, उसके बाद थोड़ा हो सकता है जेल वेल की हवा खाई हो या नहीं भी खाई हो। अब इन एक्सीडेंट किया है, हॉस्पिटल में थे, तो अब इनकी क्या हो गई, जेब खाली, बिल भरते भरते अब जेब खाली हुई। ये अपनी नौकरी से भी निकाले गए होंगे, तो अनएम्प्लॉयड भी हैं मिस्टर मैन, राइट। अब इनको लगा कि काम कुछ करना है, तो ये किसी स्कूल में जाके टीचर बन जाते हैं, क्योंकि इनके पास टीचर बनने की बेसिक क्वालिफिकेशन तो है ही। इन्होंने भी बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, बीएड, एमएड कर ही रखा है, कुछ ना कुछ किया है, और जो सब्जेक्ट इन्होंने पढ़े हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, साइंस, मैथमेटिक्स, तो ये सोचते हैं कि ठीक है, तो ये इस क्लास के बच्चों को सिर्फ यही तो पढ़ाना होता है, तो मैं भी पढ़ा लूँगा। तो अब मिस्टर मैन एम्प्लॉयड होके किसी स्कूल में टीचर हो जाते हैं, ठीक है, वो क्लास में पढ़ा देते हैं, बोलते हैं, लेकिन हैं तो अपनी टेंडेंसीज के स्लेव ही, गुलाम ही, वही गलतियां करते हैं। कभी क्लासरूम में सो जाते हैं, क्योंकि रात को उन्होंने लेट नाइट पार्टी की होगी। कभी किसी बच्चे को डांट दिया, अगर बच्चा तो बच्चा है, वो जानना चाहता है कि बताओ क्यों, ऐसा क्यों, और उसने सवाल पूछ दिया तो उसको डांट दिया, पनिशमेंट दे दिया, तुम्हारे नंबर कट जाएंगे अगर ज़्यादा कुछ बोला तो। होता है ना ऐसा, हो सकता है ना। तो अगर हमने समझ को वैल्यू नहीं किया, अगर हमने मैच्योरिटी को नहीं समझा कि असली मैच्योरिटी मतलब क्या, और सिर्फ इसी चीज़ को समझा कि जो एज में बड़ा है उसको पहले से ही रिस्पेक्ट दे देनी है, और ये मान के चलना कि वो जो बोल रहा है वो ठीक ही बोल रहा है, तो क्या हो जाएगी, तो क्या हो जाने वाला है, क्या हो जाने वाला है। और गलती से किसी दिन मिस्टर मैन ने, चलो उनको अच्छा लगा कि आज बच्चों के साथ है, मन अच्छा है, और अपनी ही उस गाड़ी में बैठा लिया जिसको वो ड्राइव करते हैं, तो क्या होने वाला है, एक्सीडेंट होने वाला। क्योंकि पहले से मान लिया है कि मिस्टर मैन जो है, जो बोलते हैं वो अच्छा ही बोलते हैं, और जो करते हैं वो गलत अच्छा ही करते हैं, सही करते हैं, ये हो जाने वाला है, ये प्रॉब्लम है। तो असली मैच्योरिटी किस चीज़ में है, किसको बोलेंगे कि कौन मैच्योर है, वो जो शरीर से मैच्योर है, कि जिसकी हाइट अभी शौर 8 साल का है तो इतना है, और गौरव 18 ईयर्स का है, 18 साल का है तो इतना बड़ा है, तो उसको मैच्योरिटी बोलते हैं, एज के कम ज़्यादा होने को, हाइट के कम ज़्यादा होने को नहीं। तो फिज़िकल मैच्योरिटी अलग होती है, और मेंटल मैच्योरिटी अलग हुई, फिर हुई ना।
फिजिकल मैच्योरिटी बॉडी की होती है और मेंटल मैच्योरिटी अलग हो गई फिर तो हम फिजिकल मैच्योरिटी को कभी भी मेंटल मैच्योरिटी से कंफ्यूज नहीं करेंगे। ये बात क्लियर है? जो रियल मैच्योरिटी होती है वो मेंटल मैच्योरिटी होती है, तो कभी भी हम उसको एज से लिंक नहीं करते। मैच्योरिटी इज मैच्योरिटी, चाहे वो 8 साल के इंडिविजुअल में हो चाहे वो 50 इयर्स के इंडिविजुअल में हो, तो मैच्योरिटी मैच्योरिटी ही होती है। कल हमने कबीर का एक दोहा किया था, किसी के पास है उसकी कॉपी? उस दोहे में यही आया था ना कि सतगुरु जो जानिए, सतगुरु जो ऐसा ज्ञान लेके आए जो भ्रम का भांडा तोड़े और रहे निराला। कोई दोहा पढ़ेगा? फोर्थ पेज चेक करना विदु। जोर से सब लोग सुनेंगे। हाँ, सतगुरु मिला जो जानिए, ज्ञान उजाला होए, भ्रम का भांडा तोड़ करी रहे निराला होए। तो ऐसे कुछ निराले लोग हो सकते हैं ना? कि जो हो सकता है उम्र में भी छोटे हो लेकिन उनमें समझ बहुत हो सकते हैं ना? सेज अष्टावक्र थे, वो सिर्फ इलेवन ईयर्स ओल्ड थे। और जैसे अपने घरों में श्रीमद् भगवत गीता देखते हो ना, गीता कितनी श्रेष्ठ है, ट्रुथ की बात करती है, इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही एक और गीता है जिस गीता का नाम है अष्टावक्र गीता। ध्यान में रहना, ध्यान से सुनना, उस गीता का नाम है अष्टावक्र गीता और वो बहुत इंटरेस्टिंग गीता है, बड़ी मज़ेदार है। उसको ट्रुथ और रियलिटी को समझना हो तो अष्टावक्र गीता देखना क्या है, पन्ने पलटना उसके। और जब गीता देखोगे तो कहोगे कितनी ऊंची बात लिखी है, कितनी किसी ने कितनी ऊंची बात कही है। बड़ी गहरी बातें लगती हैं अष्टावक्र गीता की। एक एक लाइन है एग्जैक्टली वो वही है जो कबीर के दोहे हैं, उनका जो सार है वो वही है जो कबीर के दोहे हैं, दोहों में है। उतनी ही गहराई, उतनी ही डेप्थ और उतनी ही प्रेम की बातें हैं कि प्रेम मतलब क्या, सत्य मतलब क्या। और गीता पढ़ोगे तो सबसे ऊंची बात है अष्टावक्र गीता। अब जिन्होंने ये गीता गाई और गा के बोली थी अष्टावक्र, उनके बारे में पता लगाओगे तो पता चलेगा कि उन्होंने ये गीता गाई थी सिर्फ 11 साल की उम्र में। सिर्फ 11 साल के थे, इतने ही बड़े थे, और वो भी किससे डायलॉग में थे? किंग से, जनक किंग। और किंग अष्टावक्र से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि प्लीज टेल मी व्हाट इज ट्रुथ। किंग, और सोचो किंग भी कितना इंटेलिजेंट होगा, वो इंटेलिजेंट है इसलिए किंग भी है ना, और वो भी कितना इंटेलिजेंट होगा कि वो 11 इयर्स ओल्ड अष्टावक्र से पूछ रहे हैं कि प्लीज टीच मी ट्रुथ, व्हाट इज ट्रुथ। और 11 साल की उम्र में अष्टावक्र वो गीता
गाते हैं, अष्टावक्र गीता के नाम से जानी जाती है। तो इस बात को हम समझ रहे हैं कि समझ का उम्र से कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, उम्र की अपनी एक छोटी वैल्यू है, उसको इग्नोर हम नहीं करते। वो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस भी कुछ ऑब्जेक्ट्स से रिलेटेड है, किस चीज़ का क्या एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत है। लेकिन जो विजडम है, अंडरस्टैंडिंग है, उसका उम्र से कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो खुद से। और फिर अष्टावक्र गीता जो बताती है वो सेल्फ के बारे में बताती है। सेल्फ की अंडरस्टैंडिंग से ही फिर ये समझ में आता है कि सही क्या है और गलत क्या है। भगत सिंह का नाम सुना है? कोई है जिन्होंने नहीं सुना है? सबने सुना है। क्या किया था भगत सिंह ने? फांसी जनरल को भी मारा था वो मेरे वाले दिन। और उन्होंने एक इंग्लिश ब्रिटिश असेंबली में बॉम्ब ब्लास्ट करा था। और उन्हें उनका बर्थडे 28 सितंबर को होता है। और उनको एक दिन पहले फांसी दी थी। 24th को दिन थी। और जब उनको फांसी हुई और फांसी के पहले का वो सारा काम कर चुके थे, एक बड़ा रिबेलियन आज़ादी के लिए तैयार करके, आज़ादी दिलवाने के लिए काम करके चले गए थे। उस समय उनकी उम्र थी मात्र 23 years old। हम भी बहुत लोगों को देखते हैं जो 22-23 years old होते हैं ना, आसपास देखते हैं, पड़ोस में, घर में, बाहर, यहाँ वहाँ। वो कैसे दिखते हैं? बहुत सारे बच्चे जो 22 और 23 साल की उम्र के हैं उनको हम देखते हैं स्कूल कॉलेजेस में, यहाँ वहाँ। वो कैसे दिखते हैं? हाइट में बड़े, शरीर में बड़े, एक्शन से बताओ, एक्शन में कैसे दिखते हैं? और हो सकता है कि उनकी कई 22-23 साल वालों की हाइट भी ना बड़ी हो सकता है कि वो हाइट में इतने ही रह गए हैं, ये भी हो सकता है। तो अगर बड़े मतलब हाइट है और एज है और शरीर है तो वो भी बहुत फ्लक्चुएट करता है। मेरे स्कूल में 12th क्लास में दीदी है, वो मेरे जितनी है। उनकी हाइट बड़ी नहीं होती। ठीक है। तो अगर हम 22-23 साल के अपने घर में देखते हैं जो 22-23 years old हैं, पड़ोस में देखते हैं, वो लोग कैसे दिखते हैं, क्या क्या करते रहते हैं, उनके एक्शंस जरा इकट्ठे करने की कोशिश करो। उनका कंडक्ट कैसा दिखता है, उनके लाइफस्टाइल कैसी चलती है उनकी? बाइक्स वाइक्स में चलेंगे ज्यादातर, अपने ही उम्र के फ्रेंड्स के साथ उठेंगे बैठेंगे। क्या कभी उनको देखा है कि कोई एक नन्ना सा बच्चा भी उनका उतना ही गहरा दोस्त है, और कभी एक 60 years old पर्सन भी उनका उतना ही गहरा दोस्त है? वो सिर्फ अपनी ही उम्र के लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे। वो कई बार देखा होगा कि चोरी से छुप छुपा के, ये भी हो जाता है कई बार। और किन किन तरीके कामों में लगेंगे उनको? अगर खाली समय मिलेगा तो वो खाली समय में फोन पे लग जाते हैं, फोन पे लगे रहेंगे। और अगर उनको थोड़ा कुछ और खाली समय मिल गया तो उनको
हम उनके घर चले जाएंगे अपने दोस्तों के। और हेडफोन लगा, हमेशा ईयरफोन लगा रहेगा, म्यूजिक के लिए चालू रहेगा। और म्यूजिक भी किस तरीके का म्यूजिक, भी एक पर्टिकुलर चॉइस का म्यूजिक होगा, जो पार्टी नंबर होगा, डिस्कोथीक नंबर होगा, है ना, अच्छा तेज ड्रम बीट वाला म्यूजिक होगा। अगर म्यूजिक का अप्रिसिएशन जिसकी नजरों में होता है, तो वो क्या किसी एक खास किस्म के म्यूजिक के लिए होता है क्या? अगर कोई म्यूजिक को समझता ही है, तो उसके लिए ये जो म्यूजिक पत्तियां क्रिएट कर रही हैं, पत्तियों से जो हो रहा है, ये भी म्यूजिक है। ये भी म्यूजिक है। और अगर वाद्य यंत्रों की बात करें, इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, तो वो इंस्ट्रूमेंट्स जो उत्तेजना नहीं क्रिएट करते, है ना, जो लाउड नहीं होते, उनसे भी जो म्यूजिक बनता है, फिर वो भी म्यूजिक है ना। तो अगर कोई म्यूजिक लवर है, तो उसको तो फिर सभी म्यूजिक अच्छे से ही समझ में आएगा। जैसे प्रेम हमने समझा था कि प्रेम फ्रेगमेंटेड नहीं होता, जब होता है तो हो जाता, सबके लिए होता है। वैसे अगर हम म्यूजिक की भी बात करें, तो क्या म्यूजिक भी फ्रेगमेंटेड हो सकता है क्या? वो तो फिर सिर्फ नॉलेज रह गया। अगर फ्रेगमेंटेड है तो फिर नॉलेज है। लेकिन अगर वो अंडरस्टैंडिंग से निकल के आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो फिर म्यूजिक तो म्यूजिक है। फिर उसमें सिलेक्शन और रिजेक्शंस नहीं चलते कि ये मुझे अच्छा लगता है और ये मुझे बोर करता है। म्यूजिक तो म्यूजिक है, और फिर हर तरीके का म्यूजिक अच्छा ही लगेगा। तो खैर, अभी हम बात कर रहे हैं 22 साल 23 साल। क्योंकि भगत सिंह की उम्र 22-23 साल थी जब उन्होंने रेबेलियन खड़ा कर दिया था पूरे भारत में। अंग्रेजों को भगा दिया, हिला के रख दिया था। और जनरली हम इस उम्र के लोगों को कैसे पाते हैं अपने आसपास? ईयरफोन में बिजी रहेंगे, उनकी बस एक ही किस्म की लाइफस्टाइल है, अपने ही उम्र के साथ लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे, और लाइफ उनके लिए क्या होगी? फन, मस्ती, लाफ्टर। नंबर सम पार्ट्स नियर सम पार्ट्स ऑफ 24-3 इसके टीनेजर्स नहीं होते। मेरे भैया ने बिल्कुल भी ऐसे समझ रहे हैं अभी कोई क्या है। कोई ज्यादातर लोग कैसे होते हैं, अभी हम उसकी बात कर रहे हैं, और जो कुछ निराले होते हैं अभी उनकी बात कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं। और ज्यादातर कैसे होते हैं वो तो हम देख ही रहे हैं कि वो ऐसे ही जा रहे होते हैं। और उसी 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 एज ग्रुप, एज ब्रैकेट के कुछ लोग ऐसे निकलते हैं जो इतना बड़ा रेबेलियन भी अब समझ से खड़ा कर देते हैं, और वो एक अकेले काफ़ी होते हैं। वो एक अकेले काफ़ी होते हैं इतना बड़ा काम करने की जिम्मेदारी लेने के लिए। अब ऐसा तो नहीं है कि भगत सिंह को म्यूज़िक नहीं अच्छा लगता था, और ऐसा भी नहीं है कि वो कोई वॉयलेंट थे, क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे थे, वेल रेड पर्सन थे अपने लाइफ में। 22-23 ईयर्स की एज में भगत सिंह ने दुनिया का जितना भी लिटरेचर था वो सब पढ़ डाला था, और उसी समझ से आया था आज़ादी के लिए प्रेम। तो उनसे एक बार किसी ने पूछा था कि गांधी जी तो अहिंसा का मार्ग अपनाते हैं, आप हिंसा का मार्ग क्यों अपना रहे हैं? आपको भारत को आज़ाद कराना है, आपको अंग्रेज़ों को भगाना है। उन्होंने ये कहा था कि मुझे अंग्रेज़ों को नहीं भगाना, मुझे भारत को आज़ाद करना है, कराना है, क्योंकि भारत गुलाम है, मतलब भारतवासी गुलाम है, और गुलामी में रहना जीना सबसे बड़ी हिंसा है। तो बड़ी हिंसा को रोकने के लिए अगर छोटी हिंसा कर भी दी, तो कुछ इतना बुरा नहीं हो गया। समझ रहे हो इस बात को? क्योंकि जो गुलामी में रहते हैं जो लोग, वो बड़े हिंसक हो जाते हैं। गुलाम हमेशा डरा हुआ जिएगा, और जो डर के जीता है वो
खुद तो हिंसा में अपने प्रति हिंसा करता ही है, उसके साथ होती है, वो दूसरों के आसपास वालों के साथ भी हिंसा करता है, तो ये बहुत बड़ी हिंसा है गुलामी। तो भगत सिंह ने वही कहा कि इस बड़ी हिंसा को रोकने के लिए फिर छोटी हिंसा भी अगर हो जाए तो कोई बुराई की बात नहीं है इसमें। और ये ध्यान रखो कि ये सिर्फ वही 22-23 साल का यंगस्टर बोल रहा है, यंग पर्सन। तो जनरली हम देखते हैं कि बाइक्स में यहाँ फन मस्ती लाफ्टर के लिए यहाँ वहाँ रोम करते हुए रोड्स में दिखेंगे उसी एज ब्रैकेट के। तो क्या समझ का अभी भी समझे कि एज से कोई कनेक्शन है? समझ का एज से कोई कनेक्शन नहीं है। बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे निराले लोग। कृष्ण की लाइफ देख लो, उनकी लाइफ में कितनी हैपनिंग बातें होती थी। एक तरफ गायों के साथ घूम रहे हैं, एक तरफ कहीं अपनी रासलीला भी उनकी चल रही है, एक तरफ कहीं अपने कजिन्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं, राजकाज चलाने में उनकी मदद कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। और जब ज़रूरत पड़ी तो सबसे महान ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, वो भी एक यंग कृष्ण ने गा दी। जो ट्रुथ और रियलिटी की बात करती है वो गादी और गीता आ गई। कितने ऐसे 60 साल के 50 साल के भी लोग आसपास में दिख जाएंगे जो भगवद गीता खुद से किसी भी गीता को गाने की बात छोड़ दो वो भगवद गीता को ही पूरा समझ लेते हों। दिखेंगे क्या ऐसे उम्र का फिर परिपक्वता से मैच्योरिटी से कोई कनेक्शन नहीं है। तो कहाँ नुकसान हो जाता है अगर कोई हमें इस तरीके की मैनर्स और एटिकेट की क्लास में अगर बाहरी तरीके से नॉलेज के थ्रू बता देता है कि एल्डर्स आर टू बी रिस्पेक्टेड। और रिस्पेक्ट मतलब क्या, व्हाट? बस एक लाइन तो सिखा दी, एल्डर्स आर टू बी रिस्पेक्टेड, बट फॉर व्हाट? तो असली रिस्पेक्ट क्या होती है? जो अंडरस्टैंडिंग में है। असली रिस्पेक्ट सिर्फ और सिर्फ मैच्योरिटी के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है। कैन वी रिपीट दिस? कि असली रिस्पेक्ट क्या है? अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरिटी के लिए, और वो फिर किसी की भी हो सकती है। वो अगर कोई 8 इयर्स का है उसको भी रिस्पेक्ट मिलेगी, अगर वो कोई 40 इयर्स का है उसको भी रिस्पेक्ट मिलेगी, कोई 60 इयर्स का है उसको भी रिस्पेक्ट मिलेगी, और कोई अगर 3 इयर्स का भी है और उसने अपनी टूटी फूटी शब्द और वोकैबुलरी के थ्रू कुछ मैच्योरिटी की बात कर दी है उसको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। समझ रहे हैं हम क्या बात है? राइट? ओके, अब बताओ कि आर्टिकल में क्या है ऐसा जो समझ में नहीं आया? कौन सी ऐसी बात है, कौन सी ऐसी लाइन है जो बहुत अच्छी लग गई है, या तो ये बताओ, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो समझ नहीं आई, थोड़ा अभी भी कंफ्यूजन है उसमें? समझ से करना, मैं जो कर रहा हूँ वो मेरी समझ से निकल रहा है।
हाँ, ये माधव को ये लाइन बहुत अच्छी लग रही है आर्टिकल में, कि मैं जो कर रहा हूँ, कि परिपक्वता का मतलब है मैं जो कर रहा हूँ वो मेरी समझ से निकल रहा है। अब इसको हम गहराई से थोड़ा देखेंगे, ठीक है। तो बॉडी की मैच्योरिटी, फिजिकल मैच्योरिटी अलग है, और जो रियल मैच्योरिटी है वो है मेंटल मैच्योरिटी। और मेंटल मैच्योरिटी का मतलब है कि मैं जो कर रहा हूँ वो दूसरे की नहीं मेरी समझ से निकल रहा है। मैं करता इसलिए हूँ क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है, मैंने समझा इसलिए किया, इसलिए नहीं किया कि किसी ने मुझे बता दिया है। अब इसको समझेंगे फिर तो हर कोई कह सकता है कि मैं वही कर रहा हूँ जो मैंने समझा, मैं वही कर रहा हूँ जो मैंने समझा। ये भी बोला जा सकता है कि मैंने समझा कि बड़ों को रिस्पेक्ट दी जाती है क्योंकि वो बड़े हैं, एज वाइज ये मैंने समझा इसलिए मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल मन ये बात कह सकता है, तर्क दे सकता है। अब कोई टेररिस्ट है, टेररिस्ट का नाम सुना होगा, न्यूज़ टीवी तो सबके घर में घरों में चलता है, यहाँ वहाँ आए दिनों बम ब्लास्ट होते रहते हैं, न्यूज़ आती है। और तुम देखोगे कि टेररिस्ट में भी काफ़ी सारे टेररिस्ट जो हैं वो यंगस्टर्स ही हैं। उसमें बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बहुत कम उम्र के भी हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने ये समझा, उनको किसी ने बता दिया कि अगर तुम ब्लास्ट करोगे, उनको किसी ने बता दिया कि जो दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं जो तुम्हारे जैसे नहीं हैं और वो तुम्हारे दुश्मन हैं और उन्हें मारना ज़रूरी है, और अगर तुम उनको मारोगे तुम सीधे स्वर्ग जाओगे, हेवन जाओगे। और ये बात उन्होंने अपने बड़ों से समझी है, ये बात उन्होंने अपने बड़ों से समझी है। बड़ों ने उनको बताया है कि देखो तुम कितने इनसिक्योर हो, ये दुनिया बड़ी खराब है, तुम्हें मार डालेगी, तुम्हें प्रताड़ित करेगी, तुम्हारा नुकसान करेगी, तो इनको मारोगे नहीं तो फिर जियोगे कैसे। ये ज्ञान उनको उनके बड़ों ने दिया है। तो वो इतनी कम उम्र में सॉकर खेलने की बजाय और दूसरे स्पोर्ट्स खेलने की बजाय, लाइफ स्किल्स कैम करने की बजाय, कुछ मीनिंगफुल करने की बजाय, पढ़ने की बजाय, कुछ भी करने की बजाय बस एक चीज़ करते हैं कि हाथों में बंदूक उठा लेते हैं, क्योंकि ये उन्होंने अपने बड़ों से समझा है। तो इस तरीके की समझ कोई समझ है क्या? मन यही तर्क देता है। और वो बोलेंगे कि मैं अपनी मर्जी से ये काम करना कर रहा हूँ। अब यहाँ पे माइंड को थोड़ा सा टेस्ट करना पड़ता है कि जिसको मैं कह रहा हूँ, खुद को क्वेश्चन करना पड़ता है, माइंड को ही क्वेश्चन करना पड़ता है बार बार कि जिसको मैं कह रहा हूँ कि ये मेरी मर्जी है, क्या ये मेरी असल में मर्जी है या किसी ने मुझे बस बता दिया है आके, और मैं दया भाव में और सम्मान देने के भाव में बस ये करने लग गया हूँ कि मेरे कम्युनिटी के लोगों ने कहा कि ऐसे ही रहना है, ऐसे काम करना है, और मैं करने लग गया। अब यहाँ टेस्ट करना पड़ता है कि मैं जिसको कह रहा हूँ कि मेरी समझ, तो क्या ये मेरी समझ है या फिर ये बाहरी है, बाहर से आई है। अगर मैं इस समाज, इस परिवेश में नहीं होता तो क्या ये समझ तब भी होती? हमेशा ये क्वेश्चन करना कि अगर मैं इस स्थिति में नहीं होता, दूसरे परिवेश में, सिचुएशन में जाऊँ, एनवायरनमेंट में जाऊँ, सोसाइटी में जाऊँ, क्या ये काम तब भी मैं करता?
तो हमेशा क्वेश्चन करना और डाउट भी रेज करना, दूसरों के सामने पूछना भी, लेकिन खुद से भी इधर डाउट करना मत भूल जाना, इधर क्वेश्चन करना मत भूल जाना। दूसरों को क्वेश्चन नहीं किया कोई बात नहीं, इतना डैमेज नहीं होगा, लेकिन अगर इसको क्वेश्चन इधर नहीं किया तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा। राइट तो जो कि मैं खुद से डिसाइड करूं कि क्या करना है, तो असली मैच्योरिटी वो है जो मैं जानूं कि क्या करना है, मुझे पता हो, कोई दूसरा ना बताता हो, और उसके भी पहले मुझे पहले पता हो कि मैं मतलब क्या। समझ रहे हैं हम इस बात को कि असली परिपक्वता उसको कहते हैं कि जब मुझ में वो कैपेसिटी है कि मैं डिसाइड करूं क्या सही क्या गलत है, कोई बाहर वाला आके मुझे ना बताए कि क्या सही है और क्या गलत है। और उसके पहले ये जानना कि मैं मतलब क्या, ये मेरा मैं है क्या, ठीक है ना। तो मैं कैसे जानेंगे मैं मतलब क्या, बार बार ये मैं कौन बोलता है, मन, माइंड, माइंड बार बार मैं बोलता है, मैं, मी, माई सेल्फ। तो उसको हम तभी जानेंगे जब हम एजुकेशन फॉर द सेल्फ को समझेंगे, जब समझ में आएगा कि सेल्फ मतलब क्या, तभी पता चलेगा। क्योंकि जब तक ये नहीं समझा कि सेल्फ मतलब क्या, तब तक तो अपने भी सेल्फ को हम दूसरों के थ्रू जानेंगे। दूसरे अगर बोलेंगे कि तुम बहुत अच्छे हो, अच्छे लग रहे हो, तो देखो मन कितना खुश हो जाता है ना। किसी दिन कोई आता है और अचानक से बोलता है, अच्छा तूने तो ये बहुत अच्छा काम किया, अच्छा तूने बड़ी अच्छी ड्रेस पहनी है, तो खुश हो जाते हैं। और यही कोई आ गया और तुरंत बोल दे कुछ, ये क्या तू पागल जैसे घूम रहा है, कुछ भी पहन लिया तू, तो अब क्या हो गया मूड का, हाँ बस सारी हवा निकल गई बैलून की। अभी किसी ने बोला तू बहुत अच्छा लग रहा है, तूने अच्छी ड्रेस पहनी है, तो बैलून बिल्कुल इन्फ्लेटेड फूल गया, मन खुश हो गया। और अभी कोई दूसरा आता है या वही पर्सन आए और उसे तुम्हें हर्ट करनी हो, तो तुम्हारे साथ क्या आके करेगा, क्या बोलेगा तुम्हें, वो कहेगा तू कैसा पागल जैसा आज घूम रहा है, बस लो सारी इन्फ्लेटेड बैलून निकल गई हवा, और फिर कैसा बैलून रह गया, बस एग्जैक्टली उस माइंड का, जिस माइंड को दूसरों के कहने पे जो माइंड चलेगा बस उसका वैसा ही हाल होगा, कि जब मर्जी हो दूसरे आए उसको फुला जाएं और जब मर्जी हो दूसरे आए उसकी हवा निकाल जाएं। डंडे और अंडे की खासियत क्या है, अंडे की डेस्टिनी है उस बैलून जैसी, कि कोई दूसरा आएगा तो फुला के चल देगा और फिर कोई दूसरा आएगा उसको जिस दिन तुम्हें हर्ट करना है तुम्हारी हवा निकाल के चल देगा। है ना। हाँ तो अगर हम मैं को, अपने आप को, अपना जो हैप्पीनेस है वो अगर किसी दूसरी चीज में, अपने से बाहर रखते हैं, तो बस उतने ही वल्नरेबल हो जाते हैं। अगर हैप्पीनेस बाहर रख दी ले जाके किसी वस्तु में, किसी चीज में, तो बस वैसा ही होना है जो अंडे का काम होता है या बैलून का काम होता है। डंडे को हैप्पी होना होता है क्या, लेकिन दूसरों को देने में इतने सारे तरीकों से, जो ये डंडा हमने अंडा वर्सेस डंडा डिस्कस किया था, इतने सारे तरीकों से वो जो दे रहा है उस गिविंग में, क्या वो रियल हैप्पीनेस में नहीं है, हाँ या ना।
रियल हैप्पीनेस, उसकी हैप्पीनेस कभी नहीं छीन सकती, बिकॉज ही इज कंटिन्यूअसली गिविंग इट टू अदर्स. एंड द मोमेंट ही गिव्स इट टू अदर्स, ही गेन्स इट, गेन्स ऑल द मोर, इट गेन्स ऑल द मोर, ऑल द मोर. यही है जो असली फंडा है, वो यही है. तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो इस बात को जानना कि सेल्फ मतलब क्या. जो कि हमें ना ये ज्योग्राफी का लेसन बताता है व्हाट इज सेल्फ, ना हिस्ट्री का लेसन बताता है व्हाट इज सेल्फ, ना मैथमेटिक्स बताती है व्हाट इज सेल्फ. क्योंकि मैथमेटिक्स में तो 2+2=2 क्या है, 4 है. और कई बार कई बार 2+2=2 मिलके 10 का काम कर देते हैं कि नहीं कर देते, तो कितने हो गए वो. 2+2 मिलके कुछ इनफाइनाइट भी कर सकते हैं, है ना. लेकिन ये किसी मैथमेटिकल इक्वेशन में फिट नहीं होगा. तो कौन सी बात ज्यादा ऊंची है, कौन सी बात ज्यादा ऊंची है. कल किसी ने शेयर किया था कि अकबर और बीरबल दो ही लोग थे, उन्होंने मिलके एक धर्म चलाया था, बड़ा ही खूबसूरत धर्म था, दीने लाए. और उसके दो ही लोग थे. और वो सबसे ऊंची बात कह दी, अब वो टिल इन्फिनिटी वो बात सही है, वो इनफाइनाइट हो गया. अब ये क्या ये चीज़ किसी मैथमेटिकल इक्वेशन में फिट कर सकते हैं, क्या ये बात किसी मैथमेटिकल इक्वेशन में फिट करेंगे, या क्या ये बात किसी मैथमेटिक्स के टीचर को समझ में आएगी. नहीं ना. लेकिन जो फिर सेल्फ समझता है उसको ये बात समझ में बिल्कुल आएगी. एक भगत सिंह ही चाहिए होता है, दो भी नहीं, दो भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, एक भगत सिंह ही चाहिए होता है इतनी बड़ी सल्तनत को हिला देने के लिए. एक अष्टावक्र ही होते हैं जो टाइमलेस अष्टावक्र गीता गा देते हैं, बोल देते हैं. तो मेंटल मैच्योरिटी हमेशा उस कैपेसिटी में है कि खुद से जानना और समझ पाना कि सही क्या और गलत क्या. और उसके पहले मैं को जानना कि मैं मतलब क्या. कुछ सवाल है किसी के आगे के लिए इस फिर मैं पूछूंगी नहीं तो. मुझे एक लाइन इसमें से अच्छी लगी. बोलो. क्या संस्कार तुम्हारे अपने होते हैं, क्या संस्कार तुम्हारी अपनी समझ से आते हैं. क्या संस्कार तुम्हारे अपने होते हैं और क्या संस्कार तुम्हारी अपनी समझ से आते हैं. और ये लाइन रिदम को बहुत अच्छी लगी है. इसमें जो वक्ता है स्पीकर आचार्य जी वो पूछ रहे हैं कि संस्कारों के माध्यम से अगर मन डिसाइड करता है तो ये सवाल पूछो कि क्या संस्कार तुम्हारे अपने हैं. ये पहले से आ रहे हैं, ये बहुत सारे संस्कार जो पहले से आ रहे हैं, बहुत सारे संस्कार जो हमें बाहरी बाहर से मिल जाते हैं, बाहर से बताए जाते हैं. हाँ, लेकिन उसमें से कुछ जो आपने समझ लिए हैं ट्रुथ की लाइट में, रियलिटी में, वो संस्कार फिर अपने हो जाते हैं. लेकिन उसमें एक चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, अगर वो एक मिसिंग है तो वो संस्कार कभी इंटरनल नहीं होते, वो बाहर ही आते हैं. और वो मिसिंग चीज़ क्या है, अगर उसमें प्रेम नहीं है, अगर उसमें ट्रुथ नहीं है. और प्रेम वो वाला प्रेम नहीं जो सिर्फ 5 लोगों से होता है, प्रेम वो वाला प्रेम जो सबसे होता है, वो प्रेम आदर वाला.
तो अगर उसमें प्रेम मिसिंग है, अगर उसमें ट्रुथ मिसिंग है, अगर उसमें रियलिटी मिसिंग है, तो फिर समझना कि ये संस्कार सिर्फ बाहरी हैं। और अगर तुमने ये बात समझ ली तो वो संस्कार भी तुम्हारा पूरा वो सही है, बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल वैसे ही सही है कि बड़ी हिंसा को रोकने के लिए भगत सिंह छोटी सी हिंसा करने को तैयार हो जाते हैं, फिर उस उन छड़ों में हिंसा भी क्या हो गई, अहिंसा सही हो गई। और ऐसे क्षण में जहाँ हिंसा सही का रूप ले रही है, वहां अगर कोई हिंसा नहीं करेगा तो क्या करेगा, गलत करेगा, हिंसा करेगा। अगर उन क्षणों में कोई भगत सिंह को सपोर्ट नहीं देगा और जब जरूरत है बड़ी हिंसा को रोकने के लिए, तो क्या होगा, गलत हो जाएगी और असली हिंसा यही हो जाएगी। तो सही और गलत का जो मन चुनाव कर सके, सिर्फ वही मन मैच्योर है, परिपक्व है।